हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम समझेंगे डिफरेंस क्या होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। सपोज मैंने कोई डिजिट लिखी है 00456, क्या इस डिजिट का कोई मतलब है? क्या कोई मतलब है? हो भी सकता है ये किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर के आगे की डिजिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है। जिस चीज़ का कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं होता है वही होता है हमारा डेटा। सपोज मैंने लिखा है 00456 7 8, मैंने बोला है कि ये जो है ये रोल नंबर है अमित शाह का, जो कि रहता है ग्वालियर में। तो ये क्या ये अभी भी डेटा है या इन्फॉर्मेशन बन चुका है? अगर ये सिर्फ इतना होता तो मैं नहीं पहचान पाती कि इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तब ये मेरे लिए डेटा रहता, इसका कोई मतलब नहीं रहता, राइट? अब मैंने बता दिया है क्या ये रोल नंबर है, मैंने इतना डिक्लेयर कर दिया, क्या ये अब इन्फॉर्मेशन बन चुका है? नहीं, ये अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बस बता दिया है कि ये रोल नंबर है, पर किसका रोल नंबर है? दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमें तो नहीं पता है किसका रोल नंबर है। अब मैंने ये बता दिया कि अमित शाह का रोल नंबर है, क्या अब ये इन्फॉर्मेशन बन गया है? नहीं, ये अभी भी डेटा है। अभी भी मुझे पता नहीं चला है कि ये एग्जैक्टली किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दुनिया में एक ही अमित शाह तो नहीं है ना, ज़रूरी भी नहीं है कि उसका रोल नंबर यही हो। यहाँ पे किसी भी स्कूल का रोल नंबर हो सकता है, हर स्कूल में बच्चे होते हैं, अभी भी कुछ डिक्लेयर नहीं है। फिर मैंने एड्रेस बोल दिया ग्वालियर, क्या अब ये इन्फॉर्मेशन बन गया है? नहीं, हो सकता है ग्वालियर में कई स्कूल्स हैं, कई अमित शाह पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये जो है इनके जो फादर हैं उनका नाम मैंने बोल दिया है तरुण शाह, क्या अब ये इन्फॉर्मेशन है? अभी भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अमित शाह के कई अमित शाह हों जिनके पापा का नाम तरुण शाह हो। अब मैंने बोल दिया कि ये ग्वालियर में टीन शेड हाउस नंबर 47 में रहते हैं, क्या अब ये इन्फॉर्मेशन है? हाँ, अब ये इन्फॉर्मेशन है अब, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो रोल नंबर है किसी अमित शाह का है जो ग्वालियर में रहता है, जिनके फादर का नाम तरुण शाह है और वो टीन शेड हाउस नंबर 47 में रहते हैं। तो मेरा ये बताने का टोटल मोटिव यही था कि डेटा वो चीज़ है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जो रॉ फैक्ट्स रहते हैं। इसी तरीके से हम इसे कंप्यूटर के टर्म्स में कैसे समझेंगे? कंप्यूटर में आप जो टाइप करते हैं वो डेटा रहता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इन दोनों टर्म्स का हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।